इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका पाठ 7 जीवन के रंग की वर्कशीट पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। इनका अर्थ लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है जुनून, इसका अर्थ होता है लगन। इसी तरह से श्रृंगार का अर्थ है सजावट, दफ्तर का अर्थ है कार्यालय, इसको अंग्रेजी में ऑफिस भी कहते हैं। तमाशा का अर्थ है नाटक या मनोरंजक दृश्य। मेहनत का अर्थ है परिश्रम। भयंकर का अर्थ है डरावना या खूंखार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, रमैया नीम के पेड़ लगाने के क्या फायदे बताता है। इसका उत्तर है, नीम का दातुन बहुत ही लाभदायक होता है व इसके पत्ते जलाने से मच्छर दूर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ हमें क्या देते हैं। इसका उत्तर है, पेड़ हमें ताजी हवा, फल फूल, छाया, लकड़ी आदि देते हैं। अगला प्रश्न, रमैया ने शादी के कार्ड पर पेड़ के महत्व का क्या संदेश लिखा है। इसका उत्तर है, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। अगला प्रश्न, रमैया की बेटी के सिर में दर्द क्यों हुआ। इसका उत्तर है, क्योंकि रमैया की बेटी स्कूल में बाहर धूप में बैठकर पढ़ाई करती थी। अगला प्रश्न, जंगल की आग कहानी में गौरैया क्या संदेश देती है। इसका उत्तर है, गौरैया कहती है कि मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, आग लगने पर कौवा क्या कर रहा था। इसका उत्तर है, आग लगने पर कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठकर तमाशा देख रहा था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची लिखना है, जैसे एक दिया हुआ आग, इसका पर्यायवाची है अग्नि, अनल। इसी तरह से जंगल का पर्यायवाची वन, कानन। पानी का पर्यायवाची जल, नीर। धरती का धरा, भूमि। पेड़ का पादप, वृक्ष। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत जिनका अंत एक जैसा हो, जैसे पहाड़, इसका तुकांत है दहाड़। रमैया, पुरवैया, धुन, गुन, मगन, गगन, सपना, अपना। अगला प्रश्न, विलोम शब्दों का मिलान करिए। तो यहाँ मिलान करना है, विलोम अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्दों का। जैसे आग, तो आग का विलोम होगा पानी, इसको इससे मिला देंगे। धरती, धरती का विलोम आकाश, इससे मिला देंगे। जलाना, जलाना का विलोम होता है बुझाना, इससे मिला देंगे। दूर का विलोम पास। बचपन का विलोम बुढ़ापा। और धूप का विलोम छांव। इस तरह से ये मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न, हमारे जीवन में हरे भरे पेड़ों का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, हरे पेड़ पौधे हमें छाया, लकड़ियां, दवा, ऑक्सीजन तथा फल फूल आदि देते हैं, इसलिए हरे पेड़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अगला प्रश्न, अपने स्कूलों में सभी बच्चे एक एक पेड़ लगाएं। तो आप सब लोग अपने स्कूल में एक एक पेड़ लगाएंगे। अगला प्रश्न, अपने आसपास के फलदार एवं छायादार वृक्षों के नाम लिखिए।
फलदार अर्थात जिनके फल का उपयोग हम करते हैं, तथा छायादार जिनसे हमें छाया मिलती है। तो फलदार वृक्ष कौन से हैं? आम, अमरूद, जामुन, पपीता, केला, लीची, अनार, खजूर आदि। इसी तरह से छायादार वृक्ष बरगद, शीशम, पीपल, अर्जुन आदि। इस तरह से आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।